यार कुलदीप यादव को देख लो, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें ली हैं। शादाब खान ने क्या किया, उसने श्रीलंका के खिलाफ भी 4 विकेटें ली हैं। शादाब खान कहाँ पे? शादाब खान की नाम देख रहे हो तुम, रैंकिंग देख लो ICC की, शादाब खान तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। क्यों उसको खिला रहे भाई, उसने फुद्दू बनाया हुआ है आवाम को। देखिए ना, बुमराह कितने मैचेस के बाद बॉलिंग के लिए आया, पहला मैच खेल रहा और आपका नंबर वन प्लेयर आउट कर रहा है वो। देखे ना, जिसे नंबर वन प्लेयर कह रहे हैं, रोहित शर्मा खुद कह रहा है कि अगर मेरे पास शहीन या नसीम शाह हो तो मैं सारा वर्ल्ड कप खुद ही जीत लूंगा। आपकी गलतफहमी वही गलतफहमी है जो हमारी गलतफहमी होती थी कि हम अमेरिका कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान की फौज है तो मैं पूरी दुनिया पता कर लूंगा। यार देखे ना, वही गलतफहमी है आप लोगों की। वो कहते हैं हम जीत जाएंगे, ठीक है। शादाब खान तो उसकी जूती के बराबर नहीं है फिलहाल। कुलदीप किंग है भाई, आप लोगों को क्या पता उन्हें कितने विक्स लिए हैं, पता है? दो सेंचुरियां भूल गए हो। नंबर वन प्लेयर कौन है? नंबर वन प्लेयर फिर नंबर वन प्लेयर बड़े मैचों में स्कोर ही नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना, आपको कभी इंडिया वालों ने कभी कोई ऑफर की है? पाकिस्तान ने क्या ऑफर की है? इंडिया ने आज क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए, कल पाकिस्तान श्रीलंका को हराए क्वालिफाई कर लेगा। कौन सी टीम फाइनल में जीती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान। इंडिया जी, इंडिया इंडिया पाकिस्तान आ रही है नजर हमें। पाकिस्तान ने पिछली दफा क्या किया, क्या हुआ? आज 356 भूल गए हो, 356 भूल गए। 138 पे ऑल आउट, 138 पे ऑल आउट, 200 एंड समथिंग के ऊपर पूरी टीम निपटा दी। यार सबसे पहले मुहब्बे वतन हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, ठीक है? हमारे आईडी कार्ड पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। एक पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आप पार्टी नहीं चाहिए, आप मुल्क की दूसरे मुल्क को कैसे सपोर्ट कर रहे हो यार? फिलहाल मुल्क का नहीं है, ठीक है? जो जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा यार, जो बंदा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसकी तारीफ होगी ना, जो बंदा परफॉर्म करेगा। दो सेंचुरियां भूल गए हो। नंबर वन प्लेयर कौन है? नंबर वन प्लेयर बड़े मैच में स्कोर ही नहीं कर सकता यार। एक सेकंड, नंबर वन का क्या करना है? नंबर वन टीम का क्या करना है? मैच जीत नहीं यार। एक सेकंड, नंबर वन प्लेयर है मानना है, ठीक है? छोटी टीमों के खिलाफ ये परफॉर्म कर रहा है, इधर बुमराह चला रहा है, बोल रहा है, देख लिया। कुलदीप यादव को तुम शादाब खान से कंपेयर कर रहे हो, यार वर्ल्ड कप लेग स्पिनर तो है ही नहीं है, ठीक है? वो मैं कुलदीप यादव को देखूंगा उस साइड पे, ठीक है? उसने श्रीलंका के खिलाफ आज के मैच में भी 4 विकेटें ली हैं, उसने श्रीलंका को हिलने नहीं दिया भाई। बड़ा इंडिया को फिलहाल एशिया का मैदान पे लाने वाले कुलदीप यादव है, ठीक है? शादाब खान ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। वो जैसे वहाँ को फुद्दू बनाया हुआ है पाकिस्तान, हमारी वहाँ फुद्दू बन रही है। देखिए ना, बुमराह कितने मैचेस के बाद बॉलिंग के लिए आया, पहला मैच खेल रहा और आपका नंबर वन प्लेयर आउट कर रहा है वो। देखे ना, जिसे नंबर वन प्लेयर कह रहे हैं। आप कहते हैं जी कि मैं श्रीलंका की लीग इसलिए खेलने आया हूँ कि मैं एशिया कप की तैयारी करने आया हूँ। मैंने कनाडा की लीग छोड़ी है क्योंकि मुझे एशिया कप की तैयारी करनी है। ये तैयारी थी आपकी? इंडिया आपके खिलाफ आपका हाईएस्ट स्कोर 356 लेवल दोबारा कर रहा है, आपसे नहीं चेज हो रहा। आप 100 के ऊपर 150 पे टीम वाल टीम 150 पे 128 पे 128 यार, एक मिनट मेरी बात सुने। आपका आप जाके स्कोर बोर्ड देख ले और चुप कर, उसके बाद बताना कि स्कोर कितने पे हो यार। एक बंदा यार, आपका अब्बू महीने का 12,000 कमा रहा है, हमसाया 20,000 कमा रहा है, आप उसको अब्बू बना लोगे? उसको अब बना लोगे? और यार क्या बात कर रहे हो आप यार, अपने मुल्क को सपोर्ट करो यार। अपने मुल्क की मेहनत बड़ी फेमस देखो, अपने मुल्क की मेहनत देखो, जो मेहनत ज्यादा करेगा उसका नाम होगा यार। जो परफॉर्म करेगा तो इंडिया का नाम होगा, क्यों नहीं होगा? आप चाह रहे हैं कि एक लोग 10,000 पैसे की आपका नाम हो, कैसे होगा ये नाम? नहीं हो सकता ये नाम। एक चीज बताइए, कब से बोल रहे हैं? लिसन मेरी बात सुनो, आपको आपकी एज 25 साल होगी है ना, आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना, आपको कभी इंडिया वालों ने कभी कोई ऑफर की है? पाकिस्तान ने क्या ऑफर की है? अभी तू जॉब कर रहा है ना? अभी जॉब कर रहा है? जॉब कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जॉब कर रहा है तू? तुमने यहाँ पे की है? यार यहाँ पे रह भाई। अगर इसे पाकिस्तान इतना ही अच्छा था तो ये लाहौर क्या लेने आया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, आप कहते हैं हमारा स्पेल इस वक्त दुनिया का बेस्ट स्पेल है, क्या ये बेस्ट कपल है आपका? यार ये भाई पता क्या कह रहे हैं आप, पाकिस्तानी होने के नाते इंडियन को क्यों कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग टीम? भाई जान, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये भाई बड़े मोहब्बे वतन है, बड़े मोहब्बे वतन है, हम भी सब हैं। इनसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे पूछे, बेशक बिल्कुल आप बहुत हैं, इनसे पूछे
चार साल की आपने डिग्री की है, आपको जॉब नहीं मिली? नहीं मिली तो इसमें क्या है? अब आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, अब आप पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं इंडिया तो नहीं जा रहा, मैं इंडिया तो नहीं जा रहा। कहाँ जा रहे हो? इंडिया मुझे चाहे जितनी मर्जी ऑफर करे, मैं इंडिया में नहीं जाऊँगा। आपको इंडिया ऑफर करेगा ही क्यों? क्यों अगर क्यों करेगा? अगर वन डे का तो मैच प्लेयर ही नहीं है। शताब गंज को T20 खिलाओ, उसे कोई PSL खिलाओ जो खेल सकता है। वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं रहा, ठीक है? वो एक माना कि हाइप के साथ आया था आगे, लेकिन अब वो उस काबिल नहीं रहा कि इसको इस तरह की फ्रेजिंग दी जाए, उसको क्या नाम है, एडमायर किया जाए। इंडियन टीम आ रही है, आप उनके फेसेस देख रहे हैं कितनी रौनक है उनके फेस पे। और पाकिस्तानी पहले सो क्या है कि हमने हार जाना। यार यार क्या करते हो, आपकी पूरी टीम बॉलर्स पे डिपेंड है। कभी कभी बॉलर्स नहीं परफॉर्म करते, आप लोग बैट्समैन क्या कर रहे हो? पहली दफा पहला मैच है जिसमें आपके बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया और आपकी टीम क्या कर रही है, 120 पे हर टीम आउट हो रही है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कोई मसला नहीं, एक मैच आ रहे हैं ना, अब फाइनल होगा, देखा जाएगा कौन जीता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, फिर देख लेना कौन बॉलिंग अच्छी करता है, कौन बैटिंग अच्छी करता है। तब तो जब पिछले मैच में बॉलिंग की है शहीन ने, तब तो विराट कोहली बाहर बैठ के ऐसे देख रहा था, है उसकी तो टांगे कांप रही थी। फिर कहते हैं कि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, वो खुद रोहित शर्मा खुद कह रहा है कि अगर मेरे पास शहीन या नसीम शाह हो तो मैं सारा वर्ल्ड कप खुद ही जीत लूंगा। लेकिन वही गलतफहमी है जो हमारी गलतफहमी होती थी कि अमेरिका कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान की फौज है तो मैं पूरी दुनिया पता कर लूंगा। देखे ना, वही गलतफहमी है आप लोगों की। वो कहते हैं हारिस और शाहीन हो तो हम जीत जाएंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो भाई, एक सेकंड मेरी बात सुनो। फाइनल होगा, आप ही यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, देख लेना कौन जीता है। फिर बाद में आप लोगों ने खुद ही मुंह छुपा के भागना है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके बॉलर नहीं परफॉर्म कर रहे, आपके बैट्समैन किधर है? आप फिर बॉलर कोई भी मेन मैच हो, चाहे एक मिनट कोई भी मेन मैच होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो इंग्लैंड के खिलाफ, एंड जैसे ही प्रेशर पड़ा शाहीन इंजर्ड हो गया, शाहीन चला गया। ये मैच था, प्रेशर हुआ, पहले हारिस इंजर्ड हुआ, फिर नसीम इंजर्ड हो गया, बाहर चले गए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई हमारा इंपॉर्टेंट मैच होता है हमारे बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं? क्यों होते हैं इंजर्ड? ये नहीं है कि वो खुद जानबूझ के हो जाते हैं। एक मिनट मेरी बात खत्म करो यार। नेपाल के अलावा, नेपाल के अलावा एशिया का, नेपाल के अलावा एशिया में बाबर का कोई अपॉइंटमेंट? एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। आपके पास इतना प्रेशर है, मेरे को बदल बदला नहीं कर दिया बढ़िया। वन डे का तो मैच प्लेयर ही नहीं है। शताब गंज को T20 खिलाओ, उसे कोई PSL खिलाओ जो खेल सकता है। वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं रहा, ठीक है? वो एक माना कि हाइप के साथ आया था आगे, लेकिन अब वो उस काबिल नहीं रहा कि इसको इस तरह की फ्रेजिंग दी जाए, उसको क्या नाम है, एडमायर किया जाए। जहाँ कुलदीप यादव की बात है यार, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है? वो एक चुन के कहीं से इंडिया ने उसको पकड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है? और वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है? शताब खान तो उसकी जूते के बराबर नहीं है फिलहाल, जिस तरह की उसकी बॉल स्पिन हो रही है। शताब खान की तो बॉल हिल ही नहीं रही यार, पता नहीं उसको खिला क्यों रहे हैं। उससे अच्छा तो यार इमाद वसीम को वो दे दें टीम में जगह, तो ज़्यादा बेहतर है। शताब खान तो इस काबिल नहीं है कि उसको टीम में रखा जाए। पता नहीं हमारे सेलेक्टर्स को क्या नज़र आता शताब खान में जो उसको रखा हुआ है। कुलदीप यादव जैसा कोई प्लेयर लेके तो माने कि एक अच्छा स्पिनर लेके आए हैं, हम खुद भी भाई हमारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन यार हमारा कुछ भी नहीं अच्छा। कुलदीप यादव जो था पाकिस्तान के खिलाफ, उसने 5 विकेटें ली, ठीक है? और मैं ये मानता हूँ, बल्कि मैं पूरा पाकिस्तान ये मानता है कि इंडिया को जिताने वाला ही कुलदीप यादव था। अंदर कॉन्ट्रेरी शताब खान को देख लो, शताब खान ने क्या किया? उसने 70 स्कोर खाया 10 ओवरों में, ठीक है? कुछ किया नहीं, बैटिंग में भी वो एज आ ऑलराउंडर खेल रहा है ना हमारी टीम में। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 आउट किए हैं, ठीक है? शताब खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो मैं ही वहाँ को फुद्दू बना रहे हैं ये लोग, और इनको देखना ही बंद कर दो भाई। यार कुलदीप यादव को देख लो, उसे पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें ली हैं, शताब खान ने क्या किया? उसे श्रीलंका के खिलाफ भी 4 विकेटें ली हैं, शताब खान कहाँ पे? शताब खान के नाम देख रहे हो तुम, रैंकिंग देख लो ICC की, शताब खान तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्यों उसको खिला रहे भाई? उसे फुद्दू बनाया हुआ है वहाँ को।